नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। बुधवार को लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। ओम बिरला के फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर विपक्ष ने पहले तो स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उनका रवैया बदल गया। स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली स्पीच में इमरजेंसी को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ओम बिरला ने इमरजेंसी की बरसी पर सदन में कहा, यह सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है। हम उन सभी लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने 25 जून 1975 को भारतीय इतिहास का काला दिन करार दिया और इंदिरा गांधी की सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोड़ विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी जैसी क्रूर नीतियों को लागू किया गया। बयान के बाद सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिससे विपक्ष हक्का बक्का रह गया। ओम बिरला के इस आक्रामक रुख ने विपक्ष को अचंभों में डाल दिया और सदन में सन्नाटा छा गया। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें यूपी लाइव टीवी।